नमस्कार दोस्तों, कनाडा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल कनाडा। जो दोस्त फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम बहुत ही कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब करना सही है या फिर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में जॉब करना सही है। इस पूरी वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे, पूरा मैं आपको डिटेलिंग समझाऊंगा कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो क्या काम करती हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो क्या काम करते हैं। देखो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो या फिर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हो या फिर किसी और भी इंडस्ट्री में हो, तो अभी डिफरेंट टाइप की कंपनीज होती हैं। जैसे एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो अपने प्रोडक्ट खुद बेचते हैं मार्केट में, और एक होती है सर्विस प्रोवाइडर जो मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, उस टाइप की कंपनी होती है। तो दोनों कंपनियों में किस कंपनी में जॉब करना आपके लिए बेस्ट होगा, इस पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा लोगों के साथ। देखो, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे आईटीआई कर रहे हो, चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हो, बेसिकली मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, तो आप ये ट्राई करो ना कि हमेशा ये ट्राई करो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी होती है ना वो, चलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है। जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में मैं आपको दे देता हूं कि जैसे कोई ई कॉमर्स कंपनी है जो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे मान लो कि एक कंपनी अपना बैग बनाती है, बैग बना करके बेच रही है, खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई हुई है, खुद का प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो बंदे रखी हुई है, और मतलब बहुत अच्छा खासा बैकअप भी है कंपनी के पास और कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, वो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और एक है कि उस प्रोडक्ट को, मतलब जैसे कंपनी खुद अपना प्रोडक्ट मार्केटिंग किसी और से करवा रही है, मतलब जैसे उस बैग को बेचने के लिए एसईओ सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो उस बैग वाला बंदा अगर किसी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करता जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो बंदा सर्विस पे मतलब क्या बोलते हैं, उस बैग के लिए सर्विस बेचेगा, मतलब सर्विस प्रोवाइड करेगा उसको, और वो बंदा जो बैग की कंपनी खोला हुआ अपने प्रोडक्ट बेच रहा है वो किसी और से सपोर्ट लेगा। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना वो किसी और पे डिपेंड करते हैं। ये जरूरी नहीं कि सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी होती है ना वो हर टाइम अच्छा ही चले, क्योंकि देखो सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो हर चीज आपका एक घंटा 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जो भी होता है वो हमेशा जुड़ा होता है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में, और बहुत हैटिक जॉब होती है सर्विस प्रोवाइडर वाली जॉब। जैसे आप मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात कर लूं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में बात करना जॉब करना थोड़ा हैटिक होता है, वहां सर्विस एज ए सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज बेचते हैं, एसईओ सर्विसेज बेचते हैं, एसएमओ ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज बेचते हैं। तो और एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो अपना खुद का प्रोडक्ट बना करके बेचती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक तो ना जो सैलरी होती है वो अच्छी होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में उतनी सारी टेंशन्स नहीं होती है कि अगर अच्छी खासी कंपनी है, दो चार साल चली हुई कंपनी है, तो वहां पे अपना करियर बहुत अच्छे से सेटल कर सकते हो। तो अगर आप इंजीनियरिंग किए हो, जैसे इंजीनियरिंग में भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ जाए तो बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो मतलब अपना सॉफ्टवेयर बेचते हैं, प्रोडक्ट वो भी है सॉफ्टवेयर, अपना ऐप बना के बेच रहे हैं या फिर अपना सीआरएम बना के बेच रहे हैं, बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में हर चीज अच्छा होता है, जबकि सर्विस प्रोवाइडर जैसे कॉल सेंटर हो गया, कॉल सेंटर भी जो होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो सर्विस जो होती है ना वो कहीं ना कहीं मतलब आपके जो ब्रेन है आपसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कराते हैं और बहुत सारी चीजें सैलरी नहीं उसके मुताबिक मिलती है आपको। तो मैं हमेशा यही आपसे कहूंगा कि आप लोग जब भी जाएं तो हमेशा ट्राई करें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब पाने के लिए। तो मेरा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कोई भी अगर कंफ्यूजन हो, अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे सॉल्यूशन हो सकता, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।